सत श्री अकाल जी सारिआं नूं, मेरा नाम गुरप्रताप सिंह, चैनल 24 आवर विद यू। तो अज असीं पहुंचे हाँ पंजाब डिस्ट्रिक्ट गुरदासपुर पिंड खारे विखे। सो अज सानूं एक इहो जिहा परिवार मिलिआ जिन्हां दा गुजारा बहुत ही मुश्किल नाल हुंदा है, ते असीं अज उहनां नाल गलबात करांगे कि किवें उहनां दा गुजारा हुंदा है, लॉकडाउन दे विच की परेशानियां आईआं उहनां नूं, ते साडे वल्लों जो भी मदद हो सकेगी असी उन्हां दी मदद करांगे। सो चलो अज उन्हां दे परिवार नाल मिलदे हां, उन्हां नाल गलबात करदे हां। असी हुण परिवार नाल मिलांगे, उन्हां नाल गलबात करांगे, जाणांगे उन्हां दे बारे। सो तुसी घर दे हालात देख ही सकदे हो कि जिद्दां इन्हां दी मतलब कि सारी छत वगैरह सारी पूरी खराब हुई आ, इन्हां दे मतलब कि कोई दरवाज़ा नहीं लग्या। सो देखते हैं इन्हां नाल गलबात करके। सो हुण असी तुहानू परिवार दे मुख मैंबर नाल मिलावांगे, उन्हां नाल गलबात करांगे भी किस तरह घर दा गुजारा हुंदा है, किस तरह लॉकडाउन दे विच की परेशानियां आईआं उन्हां नूं। सो हाँ जी, उन्हां नाल आपां हुण गलबात करदे ने। हाँ जी, सत श्री अकाल जी। सत श्री अकाल जी। हाँ जी, पहलां ते तुसी अपना नाम दसो, की काम करदे जे, सब कुछ ओह दसो। काम ते दिहाड़ी दा ही करदे हाँ जी, मिस्त्रियां दा। ते लॉकडाउन ते बहुत औखा काम रहा, काम तो कर नहीं देंदे, छिड़के नहीं चढ़न देंदे मुलाजम, तो मूँह बन के आते ही रखो, तो अही तो गिजे दे नहीं मूँह बन, बड़ा औखा टाइम लंघ गया। ठीक जी। सो तुसी दस रहे सी कि भी साडा एक्सीडेंट होया सीगा, ते जो ताडे दोनों गुट सीगे वह टुट गए सीगे, वह एक्सीडेंट मतलब किस तरह होया? एक्सीडेंट नहीं होया, दरख्त तो डिग पे ही, तो वह गुट दोनों टुट गए। उस तो बाद मतलब तुहाडे कोल काम नहीं सीगा हुंदा? नहीं, काम होया ही नहीं थी। काम होया नहीं। हाँ जी। ते हुण मतलब कि किस तरह तुहाडा मतलब कि गुजारा हुंदा है, किस तरह मतलब कि पूरा परिवार का गुजारा हुंदा है, ते की जो तुहाडे सुपने सीगे जो नहीं पूरे हो सके? सुपने तो यही, तो कमरे पावांगे चंगे, तो मुंडे नूं किसे चंगे स्कूल च दाखल करावांगे, तो भी नहीं होया, वो हुण तो नानके चला गया था। ते नहीं, साढ़े कोई काम नहीं होया, तो काम चलिया ही नहीं, चजना ना हजे भी नहीं चलता, तो बड़े औखे हैं, टाइम बड़ा औखा लंघता। तो हुण मतलब कि घर विच जो मेन काम कौन करता है, मतलब कि जिस तरह मतलब कि कितों भी पैसा आता है, तो मतलब किस तरह गुजारा करते जे, कौन काम करता मेन घर चो? वो तो मेरे घर की करती है, ये इन्हों को 2000 रुपया महीने का लेंदे, वो तो कुछ भी नहीं बनता, वो आमदन लग जाता, टाइम इतना ही औखे चुका लिया, नंघाई चाहिए कोई फट फट के, ये चलो फड़ ली देने, बस दे दी देने। अंकल जी, मतलब कि तुसी हुणे दसो भी किन्ने मतलब कि बच्चे ने तुहाडे, ते ओ की करदे ने, स्कूल जांदे ने जां जो भी मतलब कि करदे ने? ठीक है, थोड़ा दसो। गोडियां ही तो उहनां नूं तां पढ़ाया नहीं, ते ये भी दो तरह लिया ही, अपने तो बच्चे बचे नहीं, दो गुड्डियां बचियां ही, वो खुद रब दे कि तरह बचा खड़ियां, ते वो पढ़ियां नहीं, ते एक विआह खड़ी, ते एक सुधार ही, वो साडे कोल आ। तो मुंडे नूं छोटिया पहला इत्थे स्कूल, ये भी गौरमेंट ही स्कूल ही, पिंड च पढ़िया ही 5, फिर मुड़ के कोट पाता ही, कोट पढ़दा है। तो मतलब हुण तुहाडे बच्चे जिहड़े आ, मतलब कि एक तो तुसी जो दस्या भी तुहाडा मुंडा जिहड़ा, उह तुसी किसे को अडोप्ट कीता आ? हाँ जी। तो मतलब दूसरी जिहड़ी गुड़िया वा, उह
ਪੜ੍ਹਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਮਤਲਬ ਕੀ ਕਰਦੀ? ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਦੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਭਜਨ ਦੇ ਆਹ ਉਹ ਵੀ ਮਤਲਬ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਆਂਟੀ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ ਮਤਲਬ ਕਿ ਹੁਣ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਹਸਬੈਂਡ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਮਤਲਬ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗੁੱਟ ਦੋਨੋਂ ਸੀ ਜੋ ਟੁੱਟ ਚੁੱਕੇ ਸੀ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸ ਤਨਖਾਹ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਘਰ ਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਘਰ ਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਆ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਨੇ, ਇੱਕ ਦੋ ਘਰ ਦਾ ਕੰਮ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਉਹ ਕਰਕੇ ਆ ਜਾਈਦਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਟਾਈਮ ਪਾਸ ਕਰੀਦਾ। ਜੇ ਹੋ ਜਾਏ ਜੇ 15 ਦਿਨ ਆ ਜਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਜੇ ਦੂਜਾ ਦਿਨ ਕਰਿਆ, ਅੱਠੀ ਪੈਰੀ ਵੀ ਕਿਸੇ ਮੁੱਕ ਖਾਣੀ ਪੈਂਦੀ ਆ, ਟਾਈਮ ਪਾਸ ਹੀ ਕਰਨਾ ਫਿਰ ਕੀ ਕਰੀਏ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਕਿੰਨੀ ਮਤਲਬ ਕਿੰਨੀ ਤਨਖਾਹ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਮਤਲਬ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇ? 2000 ਰੁਪਈਆ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਬਸ। ਬਸ 2000 ਰੁਪਈਆ ਮਿਲਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਹੀਨੇ ਦਾ? ਹਾਂਜੀ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਫੈਮਲੀ ਨੂੰ ਮਿਲੇ, ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਹੀ ਸਕਦੇ ਜੇ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਜੋ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਹੈਲਪ ਹੋਊਗੀ, ਅਸੀਂ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਹੈਲਪ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਜੋ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਰੋਸਰੀ ਵਗੈਰਾ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਸਮਾਨ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ ਉਹ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾ ਕੇ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਹਾਂਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਫੈਮਲੀ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਹੋ ਸਕੇਗੀ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਹੈਲਪ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਾਂਗੇ।
सो इन्हों का हुण तुसीं देख सकते पिछे भी घर इन्हों का जो भी तैयार हो रहा है जिन्नी भी हैल्प हो सकी अं कर रहे हैं। सो जिहड़े हुण इत्थे ठेकेदार साहब काम कर रहे हैं उन्होंने आपां गलबात करांगे उन्होंने पुछांगे भी किन्ना क समां होर लगेगा पूरा तैयार होने। हाँ जी सत श्रीकाल जी। सत श्रीकाल जी। हुण किन्ना क टाइम लगेगा पूरा तैयार होने? ਇਹ ਸਰ ਪਹਿਲਾਂ ਦੋ ਕੁ ਦਿਨ ਆਪਾਂ ਢਾਉਂਦਿਆਂ ਲਾਏ ਆ ਅਤੇ ਹੁਣ ਕਮਰਾ ਦੋ ਚਾਰ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਠੀਕ ਜੀ। ਅਤੇ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਦਾ ਜਿੰਨਾ ਸਮਾਨ ਆਉਣਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਸਾਰਾ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ? ਸਾਰਾ ਮਟੀਰੀਅਲ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕਾ ਵਾ, ਕੋਈ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਪੈਣੀ ਹੋਰ। ਠੀਕ ਜੀ, ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। हाँ जी सत श्रीकाल आंटी जी। अज तुहाडा जो भी सी असीं तुहानूं कहा सी भी तुहाडे नाल वादा कीता सीगा भी असीं तुहाडे मकान दा तैयार करा मकान तैयार करके देवांगे, तो अज साडा तुहाडा लैंटर पै गया। सो मतलब तुसीं कुछ कहना चाहोगे? अज कहना इहो चाहवांगे भई मेरी कखां दी कुल्ली सी ते तुसीं मेहरबानी कीती मेरे ते कृपा कीती ते तुसीं बनाई ते मैं इस टाइम बहुत खुश हाँ तुहाडे ते मालक ने मेरी इज्जत पत्त रखी है। जो सियाल कोठे थले आ जाती तो फिर बड़ी मुश्किल होनी ही मैनू, बच्चों की राखी करती रही हाँ। तो ताड़ा सारे परिवार का जिन्हें भी जी मेरे सहमत ने उन्होंने मैं शुक्र गुजारनी हाँ, धन्यवाद करनी हाँ सच्चे पातशाह के नाते। मैं मालक उन्होंने चढ़ती कला रखे। मैं भी यही गल कहना चाहना तो ताड़ा धन्यवाद होए जिन्हें साड़ी कुली बनाती है। ਅਸੀਂ ਅੰਕਲ ਜੀ ਕਾਹਦੀ ਬਣਾਉਣੀ ਆ, ਜੋ ਵੀ ਸੀ ਚਲੋ ਮਾਲਕ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਵਾ, ਜਿਹਨੇ ਜੋ ਗਿਆ ਸੀ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਦਰਵਾਜ਼ਿਆਂ ਦਾ ਅਤੇ ਆ ਤੰਦਰਿਆਂ ਦਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਉਹ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਹੁੰਦਾ ਰਹੂਗਾ, ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਪਲਸਤਰ ਆ ਉਹ ਲੈਂਟਰ ਖੁੱਲ੍ਹਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਾ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਅੰਕਲ ਜੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। हाँ जी। सो तुसी हुण साडे चैनल नूं सबसक्राइब कर लो 24 आवर विद यू, तो बैल आइकन जरूर दबा लियो क्योंकि तुहानूं अगली नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। तद तक लई सति श्री अकाल।